साथ साथ किसानों का संगठन बनाना होगा, किसानों का फार्मर्स ब्रिगेड जो उनको सुरक्षा प्रदान करे। इसके अलावा इसमें कुशलता लाने के लिए, फसल के बाद समस्या होती है किसान सामान रखे कहाँ, उपज को रखे कहाँ, इसलिए स्टोरेज की व्यवस्था। अगर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है, आम सुना जाता है अचानक असमय वर्षा होने से किसानों की फसल घर आने के पहले खलिहान में सड़ने लगती है, इसलिए स्टोरेज की व्यवस्था। अंतिम इस पर जो विचारणीय बात है कि जो उपज हमारी हो, खेती हो, इसमें ध्यान रखें कि जो हम एग्रीकल्चर पेशा अपनाए हैं, ये हम पैदावार कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए, फायदे के लिए नहीं। खेती कर रहे हैं देश को भोजन देने के लिए, खुराक देने के लिए। और अंतिम बात, खेती में किसानों को हमको इनकरेज करना होगा कि ऐसी पैदावार करें जो उद्योग जिस पर निर्भर करें, उसका लाभ हमारे किसानों को मिले। खेती में हमको संतुलन बनाए रखने के लिए हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अब चर्चा कर रहे हैं प्रमा की। तो भौतिक संसार में एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रमा, इन चीज़ों को लाने से जब कृषि का लोक त्रिकोण ठीक हुआ तो ये बैलेंस बना रहे, इसके लिए हमको ध्यान रखना होगा कि ये एग्रीकल्चरल फील्ड ये ध्यान रखे कि आज का भौतिक आवश्यकता और आने वाले समय में, निकट भविष्य में जो हमारी आवश्यकता हो, आज की आवश्यकता, आज क्यों हमको किस चीज़ की आवश्यकता है और निकट भविष्य में किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ये डिमांड को ध्यान में रखते हमको खेती करना होगा। दूसरा, आज की सप्लाई और निकट भविष्य की सप्लाई, इसका संतुलन। तीसरा, ज़मीन का अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन। हम ध्यान रखें कि एक इंच भी देश और दुनिया का लैंड अनयूटिलाइज नहीं रहे। अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में लोक त्रिकोण सही हो, क्योंकि दुनिया को, सभी देशों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाना है, एक एक फील्ड को हमको पकड़ करके उसमें लोक त्रिकोण को ठीक करना होगा। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर का लोक त्रिकोण ठीक होगा, इतना प्रोडक्शन हुआ जितनी हमको आवश्यकता है, अब पूरी दुनिया में अन्न की कमी नहीं होगी, तो कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर प्राइस कंट्रोल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग रहा, तो इसका प्राइस भी ठीक रहेगा, सालों भर एक कीमत पर अनाज मिलेगा खाने का। पैदावार को हमने ठीक किया, भारत का अभी भी बहुत सा हिस्सा है
जो खेती के साधनों के अभाव में ऐसे ही परती पड़ा रह जाता है। इस साल अनावृष्टि से बिहार का मगध एरिया जो ग्रेनरी है जो सारा का सारा पैडी फील्ड ऐसे ही सूखा रह गया, वहाँ फसल नहीं उपजाएगी, फसल नहीं लगाएगी, जबकि पूरा उत्तर भारत बाढ़ से डूबा रहा। तो ये देश की दुर्दशा है। एग्रीकल्चर में अगर लोक त्रिकोण विनष्ट होगा तो नुकसान देश का हुआ। इसलिए प्रमा का सिद्धांत हमको ये रास्ता देता है कि फिजिकल वर्ल्ड में प्रमा लाने के लिए एक खाली हमने एग्रीकल्चर को ठीक किया तो हमको इतने फायदे हैं। दूसरा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी प्रमा लाने के लिए इसमें इंडस्ट्री का डिवीज़न, रॉ मटेरियल वाली जितनी इंडस्ट्री है उसको की इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और उसके कच्चे माल, उसके माल पर, उसके प्रोडक्ट पर जितनी चलने वाली है कोऑपरेटिव में लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और छोटे छोटे इंडस्ट्री स्मॉल बिजनेस ऐसे करके उसमें प्रमाण लाया जा सकता है। एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन को देश के लिए प्लान करके कि कोई भी देश में अशिक्षित नहीं रहे, और पूरे देश के लिए हमको प्लान करना है एजुकेशन का, उस फील्ड में भी प्रमाण लाना, और कोई भी टीचर दुखी नहीं रहे, उसकी पे इतनी हो कि उसका घर चल सके ठीक से, बल्कि अनएम्प्लॉयड लोगों का समूह इकट्ठा करके शिक्षा में न जाए, पढ़ाने की रुचि वाला, इसलिए हमको नेशनल लेवल में प्लान करके एजुकेशन के भी प्रमा को, उस लोक त्रिकोण को ठीक करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश उस गर्त से निकल करके उन्नत अवस्था में पहुंचे, उसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज हैं। बड़े लोगों को बीमार होने पर हर प्रकार के साधन, बीमार तड़प तड़प करके मरता है, खास करके औरतें, गांव में गर्भवती औरतें अभी भी हम देखे हैं खाट पर लाद करके अस्पताल ले आई जाती, कोई व्यवस्था नहीं। गांव में अस्पताल है लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स को ऐसी सुविधा देनी होगी गांव में डॉक्टर को रुचि हो रहने की। नौजवान डॉक्टर की आप पोस्टिंग करते हैं वहां, जिनका परिवार लेकर के वो शहर में सुविधा के साथ रखना चाहता होगा, क्यों नहीं बूढ़े जो रिटायरमेंट के कगार पर है उनको गांव में रखिए, गांव की सेवा करें। इसलिए हेल्थ सर्विसेज में भी हमको लोक त्रिकोण को ठीक करना पड़ेगा। तो एक एक फील्ड भौतिक संसार का, उसको लेकर अगर हम ठीक करेंगे तो एग्रीकल्चर का लोक त्रिकोण, शिक्षा का लोक त्रिकोण, इंडस्ट्री का लोक त्रिकोण, और जीवन के और जो हमारे आवश्यक अंग हैं सबका लोक त्रिकोण मिल करके जो कलेक्टिव लोक त्रिकोण है उसके साथ उसका मेल हुआ, ताकि पूरा का पूरा देश, देश का हर हिस्सा एक प्रकार से सुखी, एक प्रकार से समृद्ध हुआ, तब न कहें कि हमारे देश का विकास हुआ, एक खंड के विकास करने से नहीं हो। इसलिए हमारे नेशनल प्लानिंग, ये प्रमा का सिद्धांत को लागू करने पर
पूरे देश का एक विज़न और जो दृष्टि विश्व की तरफ हो।